इंद्रोवृद्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अनश्च नेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिः दधातु भृगलक्ष्मा मरुदः पृथ्वीमादरः सुभञ्ज। ब्रह्मचारी श्री चैतन्य नंद जी महाराज ने संस्कारधानी जबलपुर में किया ब्यूरो कार्यालय का उद्घाटन। दैनिक विंध्या किरण पत्रकारिता के श्रेष्ठ मूल के साथ जन जन की आवाज बने और प्रदेश ही नहीं देश के कोने कोने तक पहुंचे। इस आशय के आशीर्वचन ब्रह्मचारी श्री चैतन्य नंद जी महाराज ने बुधवार को उखरी पुलिस चौकी के समीप स्थित दैनिक विंध्या किरण समाचार पत्र के कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर व्यक्त किया। इस अवसर पर उपस्थित विंध्या किरण के संचालक श्री जितेंद्र प्रताप सोनी ने कहा कि पत्रकारिता हमारे लिए बेहतर समाज बनाने का प्रभावी साधन है और इसके माध्यम से अपनी भूमिका को सशक्त रूप से निर्वाह करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वर्चस्व वाले इस दौर में प्रिंट मीडिया की चुनौतियाँ बड़ी हैं। हम इन चुनौतियों का सामना करते हुए अपने वैचारिक पक्ष और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता को कायम रखते हुए बहुत शीघ्र प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अपनी सार्थक और प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराने जा रहे हैं। इस समाचार पत्र के ब्यूरो प्रमुख कुंडल राव और श्री सोनी ने आमंत्रित अतिथियों का स्वागत किया और अपने समाचार पत्र की विस्तार योजना से उन्हें अवगत कराया। इस अवसर पर पूर्व स्वास्थ्य कैबिनेट मंत्री रहे व वर्तमान पाटन विधायक अजय विश्नोई ने कहा कि विंध्य किरण आम जनता की आवाज बने और एक नया आयाम स्थापित करने में सफल हो, ऐसी हमारी ईश्वर से कामना है। विंध्य किरण की समस्त टीम को हृदय से बधाई व शुभकामनाएं। पूर्व राज्य मंत्री शरद जैन ने कहा कि निश्चित रूप से संस्कारधानी जबलपुर से एक और दैनिक अखबार का शुभारंभ होना विकास पर सहायक होगा, साथ ही साहित्यिक व सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि विंध्या किरण जबलपुर में एक नई किरण फैलाएगा। इस अवसर पर दैनिक विंध्या किरण के ब्यूरो कार्यालय के शुभारंभ पर सभी को हमारी तरफ से हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। इस मौके पर मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व स्वास्थ्य राज्य मंत्री रहे शरद जैन, पूर्व स्वास्थ्य कैबिनेट मंत्री रहे व वर्तमान पाटन विधायक अजय विश्नोई, पूर्व भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अभिलाष पांडे, भाजपा युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष योगेंद्र सिंह, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री अश्वनी परांजपे, भाजपा महिला मोर्चा की नगर अध्यक्ष श्रीमती रूपा राव, भाजपा नगर महामंत्री पंकज दुबे, भाजपा सदस्य रंजीत सिंह ठाकुर, जय रोहानी, प्रदेश कार्यकारिणी युवा मोर्चा सदस्य हरीश ठाकुर, प्रदेश कार्यकारिणी युवा मोर्चा सदस्य सुधांशु गुप्ता, एमएम इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर जया चंसुरिया, भाजपा नगर सदस्य सहित सभी वर्गों के वरिष्ठ जनों और वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र दीक्षित, दैनिक भास्कर, नीलेश सिंघाई, पत्रिका मार्केटिंग हेड सहित कई पत्रकार व गणमान्य के उपस्थित इस अवसर पर उल्लेखनीय रही। आमंत्रितों ने इस अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अपने नाम के अनुरूप विंध्या किरण की किरणें इस क्षेत्र में व्याप्त उपेक्षा के अंधेरे को दूर करेंगी। इस प्रसंग में आप सभी की उपस्थिति उल्लेखनीय रही।